नमो शिवाय चिल्ड्रन। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का एक्सप्लेनेशन भी पूरा हो गया। आप लोग कविता के साथ एक्सप्लेनेशन को सुन जरूर लेना। और आज मैं ये कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनके आंसर आप लोग को अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण जी ने यह तर्क दिए कि बचपन में उन्होंने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं पर कभी किसी ने उन्हें नहीं डांटा, इस धनुष पर ही उनकी ममता इतनी अधिक क्यों है? पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और हानि हो सकती है? श्री राम ने तो इसे नया समझा था और वह उनके छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। यह तर्क देते हुए वे राम को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। दूसरा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करता, वो रण क्षेत्र में अपनी वीरता दिखाकर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है और वीर पुरुष धैर्यवान होते हैं और शांत रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, लक्ष्मण जी ने अपने कुल की कौन सी परंपरा का उल्लेख किया है? लक्ष्मण जी ने अपने कुल की परंपरा के विषय में बताया है कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर हाथ नहीं उठाया जाता क्योंकि इनको मारने से हत्या का अपराध लगता है और पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अत्यंत क्रोधित होने पर भी परशुराम जी लक्ष्मण को क्यों छोड़ देते हैं? परशुराम जी जानते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के शिष्य थे और परशुराम जी विश्वामित्र की विनम्रता से बहुत अधिक प्रभावित थे, पहला कारण ये है। दूसरा, वो लक्ष्मण जी की हत्या करके बाल अपराध का दोष अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, परशुराम जी श्री राम को अपना सेवक मानने से क्यों इनकार कर देते हैं? वो श्री राम को अपना सेवक मानने से इसलिए इनकार कर देते हैं क्योंकि श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था और उनके अनुसार ये काम करके धनुष तोड़ने वाले ने उनके साथ शत्रुता का कार्य किया है, इसलिए वे उन्हें अपना सेवक मानने से इनकार कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने आत्म परिचय में क्या क्या कहा? परशुराम जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे अत्यंत क्रोधी हैं। एक मिनट, बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं, सारा संसार जानता है कि वे क्षत्रिय कुल के नाशक हैं और कई बार उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था और संपूर्ण पृथ्वी को देवताओं को दान कर दिया था। स्टूडेंट्स,
तुम लोगों को ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछे थे कि बैक क्वेश्चन लिखने, फिलहाल बैक क्वेश्चन नहीं लिखने, ये 6 ही प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपनी कॉपी में लिखने हैं। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है, हम जवाब दे देंगे। और मुझे लगता है कि सूर के पद और नेताजी का चश्मा चैप्टर से भी तुम लोगों ने प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। नमो शिवाय।